Good morning, Chinarians. So now we all have learned all the small phonics letters and capital letters. और आप सब ने इसको अपनी बुक में भी किया है रिवाइज, बहुत बार आपने अपनी कॉपी में भी इसे रिवाइज किया है. टुडे वी विल डू समथिंग डिफरेंट. आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं. आज जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड वॉवल्स. हमारे जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वी हैव 26 अल्फाबेट्स. ए ई आई ओ यू करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पूरा जेड तक जो है हमारे 26 लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं. लेकिन उन अल्फाबेट्स में दीज फाइव्स आर कॉल्ड वॉवल्स. ए ई आई ओ एंड यू, दीज आर वॉवल्स. इन्हीं को अगर हम किसी भी लेटर्स के साथ, टू लेटर्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा. ठीक है, तो पहले हमें आज केवल यही सीखना है. ये जितने भी फाइव ये लेटर्स हैं, दीज आर वॉवल्स. इसके बाद जो भी लेटर आता है, जैसे आपका आ गया बी सी एफ जी, दीज आर ऑल कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा वॉवल्स है तो हम इसे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. ए ई I O U, A E I O U, A E I O U. Five are vowels. These are fives are vowels. आपको ये याद रखना है. आपसे जैसे ही कोई पूछे कि vowels बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप इन्हीं vowels को बोलेंगे A E I O and U. इसके अलावा जितने भी letters हैं, जितने भी alphabets हैं, they are all consonants. अच्छा, नाउ यू ऑल हैव डन योर वर्क इन फोनिक ए साउंड. आपका जो फोनिक का जो फायरफ्लाई का दूसरा वाला है उसमें किया है. आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे. आज हमें यही वॉवल्स को एक बार हम रिवाइज करेंगे अपनी इस वाली बुक में. सी, दिस इज योर बुक फायरफ्लाई प्लस फर माय फर्स्ट रीडर ए. रीडर ए का हमें आज करना है पेज नंबर 5. इसको आपको घर पे अच्छी तरह से रिवाइज करना है. ओके, and you will learn revise your vowels in copy also. So take out your copies and start doing work. Now what you have to do, अभी आपने vowels सीखा है. Today you will do those vowels in your notebook also. आपको अपनी copy में भी करना है. Book में तो आपको read करना ही है, plus copy में भी उसे revise करना है. So see, मैंने copy में क्या लिखा है. First line में you will write vowels. You will start from the second line A E I O and U. इसको आप प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन आप आज एक चीज डिफरेंट देखो, आज मैम ने एक एक लाइन छोड़ा है, तो आपको भी एक एक लाइन छोड़कर इस वर्क को करना है. ओके, आपको ये 4 टाइम्स लिखना है. सो डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.